नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, हमने इसकी वीडियो पहले भी कवर की हुई थी, जिस तरह से हमने यहाँ पे सेटअप लगाए हुए थे आज भी चार्ट के ऊपर उसी तरह से बने हुए हैं। हमने बताया था कि यम पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है और यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों, सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। स्टॉक ने लगभग 4% के आसपास की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों, क्या यहां से ये स्टॉक बाउंस बैक कर जाएगा या फिर यहां से और नीचे आएगा, कब इसके अंदर एंट्री लेनी है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कंपनी का नाम बताना चाहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी यहाँ पे स्टॉक ने थकाया लोगों ने, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अपने समय को यहाँ पे वेस्ट किए, अभी यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम इन सब सारी चीज़ों के ऊपर नजर डालेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शैम्पू और एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हमने आल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, फंडामेंटल को भी समझेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक बनता है, अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा गिरावट का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करें तो वहाँ पे भी कमी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन मार्च, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च 2024 के अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, जो 98.88 करोड़ का हुआ करता था, वो जून क्वार्टर में बढ़ा है 130.97 करोड़ का, यहाँ पे बढ़ता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और अगर हम वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो आप वहां पे देखेंगे दोस्तों, निरंतर कमी आई है। मार्च 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1281 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2023 में देखेंगे घट करके 1140 करोड़ का हुआ, मार्च 2024 में देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट करके सिर्फ 460 करोड़ का रह गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम पे स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन अभी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी आल कार्गो के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए कंपनी के बारे में जानकारियां थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी की स्थापना 1993 में की गई थी। आल कार्गो लॉजिस्टिक एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करता है और मल्टी मॉडल परिवहन संचालन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन संचालन, अनुबंध लॉजिस्टिक संचालन और परियोजना और इंजीनियरिंग समाधानों में विशेष लॉजिस्टिक सेवाओं को प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हम इसके व्यवसायिक खंड की बात करें तो कंपनी आप देखेंगे तो पांच खंड में पहला है मल्टी मॉडल परिवहन संचालन, दूसरा है BFS, तीसरा है एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, चौथा है P&E और पांचवा है लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पदचिन्ह की बात करें तो कंपनी की उपस्थिति देखेंगे तो 180 से भी ज़्यादा देशों में है, और जिसमें अफ्रीका का राजस्व में 26% का योगदान है और EPC का 38% का योगदान है, यूरोप 19% का, और अमेरिका की अगर मैं बात करें तो 17% का योगदान अमेरिका का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूँ 73.33 का है, सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें 75.22 का है, थर्ड असिस्टेंट की बात करें 77.93 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 68.73 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 66.02 का है, अगर हम वहीं पर थर्ड सपोर्ट की बात करें 64.13 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मेमोरीज ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो सबसे वीक पॉइंट देखने को मिल रहा है 200 डेज की जो सिंपल मेमोरीज है वो यहाँ पे बेरिज देखने को मिल रहे हैं, पर 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज के जो सिंपल मूवेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जानते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, 7015 करोड़ का
मार्केट कैपिटलाइजेशन है पी रेशियो 275.00 का है, डिविडेंड यील्ड 1.40% का है, बुक वैल्यू 2.566 का है, फेस वैल्यू 2 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 2.78 का है, आरओसी की बात करें 32.89% का है, आरओई की बात करें 20.22% का देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर इन्वेस्टमेंट रेटिंग को ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 वीक में 18% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 महीनों में लगभग 13%, 3 महीनों में 0.35% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में लगभग 15% का निगेटिव रिटर्न है, 9 महीनों की बात करें तो लगभग 8% का पॉजिटिव रिटर्न, बीते 1 सालों में 4%, 2 सालों में 26%, 3 सालों में 90% और 4 सालों में देखेंगे तो माइनस लगभग 13% का निगेटिव रिटर्न है, 5 सालों में 320% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे आल कार्गो लॉजिस्टिक ने दिया हुआ है। अब एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग बटन के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 63.66% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 2.84% की होल्डिंग है, एंटिटीज है FII की बात करें 10.76% की होल्डिंग है, अगर हम पब्लिक इन्वेस्टर के पास की बात करें तो 22.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। दोस्तों जो नीचे की लाइन है मैंने बोला था यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। दोस्तों जब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो जो पहले का सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो यहाँ पे आप देखेंगे कई बार यहाँ पे इसने रेसिस्टेंट फेस किया, ब्रेक नहीं कर रहा था, आप देखेंगे वापस से गिरावट देखने को मिली, जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो आप देखेंगे तो शानदार तेजी लगभग 6-7% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। दोस्तों मुझे लगता है कि 66 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, आने वाले दिनों में आपको 80-85-90 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने वीकली चार्ट प्रस्तुत किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये यम पैटर्न बना रहा है, इसको जरूर फॉलो करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको परफेक्ट इसने फॉलो किया, यहाँ पे आकर के स्टॉक वापस से यहाँ पे से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर मैं इस कैंडल की हाई की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 91.80 रुपये का हाई है। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म में 90 रुपये तक के टारगेट आने वाले दिनों में आल कार्गो लॉजिस्टिक आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।